नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे YouTube चैनल DH एडवाइज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अपना पैन कार्ड कैसे चेक करते हैं कि हमारा पैन कार्ड बन गया है या नहीं, और उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में चलने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर जाकर क्लिक कर दिए। उसके बराबर में जो बेल का आइकन आएगा, घंटी आएगी, उस पर भी जाकर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा और आप देखते रहेंगे। तो आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो हमें सबसे पहले किसी ब्राउजर में जाना होगा। दोस्तों, मैं अपने यूसी ब्राउजर में जाता हूँ और हमें यहाँ पे टाइप करना होगा गूगल में पैन कार्ड स्टेटस। और जो आपको पहले नंबर पे दिख रहा है, पैन स्टेटस, स्टेटस ट्रैक सर्च फॉर पैन 10 NSTI है। दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है पहले नंबर पर एप्लीकेशन टाइप, जो आपको दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर टाइप। तो यहाँ पर एप्लीकेशन में यहाँ पर दिख रहा है पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद को आपको दिख रहा है अनलॉक्ड मेंट नंबर, जैसे आप पैन कार्ड बनने डालते हैं उसके बाद आपको जो कूपन नंबर मिलता है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको नेम से सर्च करके बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो आपको ये नेम वाला ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो नेम पर टिक करने के बाद ये मांग रहा है लास्ट नेम सरनेम, आपका नाम लास्ट और सरनेम क्या। तो मेरा नाम लास्ट है एडवाइस, फर्स्ट नेम है DH। उसके बाद मांग रहा है मिडिल नेम, तो मेरा मिडिल नेम नहीं है। जैसे मिडिल नेम का मतलब होता भानु प्रताप सिंह, भानु फर्स्ट हो गया, मिडिल नेम प्रताप हो गया और सिंह लास्ट नेम हो गया। दोस्तों, उसके बाद ये मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो हमें क्या करना है, जी डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, हम डेट ऑफ बर्थ फ्लिप कर देते हैं। तो दोस्तों, हम डेट ऑफ बर्थ फ्लिप कर देते हैं। जैसे हम डेट उसके बाद ये मंथ है, मंथ भी भर दिया, ओके किया। और उसके बाद ये मांग रहा है ईयर, जो आपकी ईयर है वो यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये जो बॉक्स में दिख रहा है कैप्चा, वो आपको इस बॉक्स में टाइप करना होगा। यदि आपके ये बॉक्स में आपको समझ में ना आए कि क्या आ रहा है, तो जो ये रिप्लेस वाला बटन है इस पर जाकर कर देंगे तो आपका ये कैप्चा चेंज हो जाएगा। तो मैं ये कैप्चा फ्लिप कर देता हूँ। W जैसे हम कैप्चा सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको दिख रहा होगा सबमिट, तो हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे में पहले नंबर अनलॉक्ड नंबर दिखा रहा है। उसके बाद ये दोस्तों नेम नेम दिखा रहा है। उसके बाद जो स्टेटस है वो स्टेटस दिखा रहा है। और उसके बाद सबसे लास्ट में परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये मेरा सबसे लास्ट में पैन कार्ड नंबर है। यहाँ से आप पैन कार्ड अपना नोट कर लीजिए और बैंक में ज़रूरत हो या कहीं भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है पैन कार्ड की, तो ये नंबर आप दे सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और दोस्तों, इस आके आप स्लिप भी निकाल सकते हैं।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट हो तो हमारे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।